ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर पंजाब से, जहां जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद 86 तक पहुंच चुकी है। शनिवार को 48 लोगों की मौत हुई। अकेले तरन तारण ज़िले में 63 लोगों की जान चली गई, जबकि 12 लोग अमृतसर और 11 लोगों की गुरदासपुर ज़िले में मौत हुई है। पंजाब सरकार ने इस मामले में अब तक एक्साइज डिपार्टमेंट के 7 अफसरों और 6 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है। जिन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है उनमें 2 DSP और 4 SHOs शामिल हैं। इस बीच पुलिस ने 100 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी करके अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में सैकड़ों लीटर शराब और शराब बनाने का सामान बरामद किया गया है। अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि सुबह 7:57 पर देखना ना भूलें हमारा स्पेशल शो कोरोना से जंग बाबा रामदेव के संग। आज बाबा रामदेव थायराइड पर योगिक स्ट्राइक